गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र मां मंगला गौरी मंदिर के समीप रंगदारी को लेकर 30 से 40 की संख्या में अपराधियों ने कामधेनु स्वीट्स दुकान में जमकर तोड़फोड़ एवं मारपीट की। कामधेनु स्वीट्स के दुकानदार सुदेश कुमार गुप्ता व संजय गुप्ता के सिर में चोट लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना विष्णुपद थाना के पुलिस ने मारपीट कर रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित में रामपुर थाना क्षेत्र के दीपक कुमार, विष्णुपद थाना क्षेत्र के सुबोध कुमार, छोटू यादव शामिल हैं। घटनास्थल से लौटने के बाद CTSP राजकुमार शाह ने बताया कि सबसे पहले घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। घटना के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा, पीड़ित दुकानदार द्वारा उचित पर 5 लाख रुपए व 5 किलोमीटर रंगदारी के नाम पर मांगने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा, घटना की जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कहा कि घटना में शामिल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सब लोग हवा करके गुंडई करने लगा। प्रशासन इसमें क्या किया आपके? प्रशासन आकर के छोड़ाए हैं। प्रशासन सहयोग नहीं करे किए हैं। कॉपरेट किया बहुत आया था। कॉपरेट किए हैं, बहुत कॉपरेट किए हैं। क्या नाम आपका? शैलेश कुमार। क्या हुआ घटना? शरारती तब कुछ आए, 100 की संख्या में आए, हवा करके दुकान पे धावा बोल दिया। बोल रहा है गुंडाई कर रहा है, पैसा दो, मिठाई दो, ही दो, ऐसे करके। कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, उधर कहीं और मैटर हुआ था, आकर के हम लोग कैसे किया। कहाँ तक दिवाली बहुत कमाए हैं, 5 लाख रुपया तक देना। दिवाली में बहुत कमाए हो ना तो अंजाम भोगो, बहुत पैसा दो जल्दी से। 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो भी डिमांड है मांग रहा है। इसको कुछ किसमें किसमें अब शक लगता आपको? शक किसमें लगता आपको? शक पकड़ा गया, यहाँ पे 3-4 लोग धराया है। ये थाना वाला क्या कर रहे हैं आपके लिए? थाना वाले थोड़ा कॉपरेट किए हैं, थाना वाला कॉपरेट किए हैं। पकड़ाया इन लोगों ने, थाना अध्यक्ष को दी है। पेट्रोलिंग में थी जिसको सूचना हमको मिला थाना के द्वारा, तो हम दलबल के संग यहाँ पहुँचे। देखिए काउंटर वगैरह उखड़ा हुआ है, इधर से सामाजिक तत्व थे जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर हिफाजत में भेजा गया है।